Hey guys, welcome back to our new video. आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं पैल वर्ल्ड। समझ रहे हैं ना आप? मगर यार आज बहुत ही अच्छा दिन है क्योंकि आज मेरा बर्थडे है। ये तरीका है भीख मांगने का। और आज मैं एक बहुत अच्छी चीज करने वाला हूँ, बिकॉज आपको पता ही होगा कि मैंने अपने बेस में काफी अच्छे अच्छे पॉकेमॉन्स पकड़े थे। अच्छा, हमको सिखा रहा है। मैंने वीडियो से पहले काफी कुछ बनाया था, जैसे ये था स्पेयर वर्क बेंच और ये था हाई क्वालिटी वर्क बेंच। इसमें हम अच्छी अच्छी चीजें बना सकते हैं। ऊपर से एक एग इंक्यूबेटर भी बनाया था मैंने काफी एग्स को इंक्यूबेट किया था। आगे घूमने के बाद ये अच्छा पॉकेमॉन ये वाला है रॉबिन। भाई ये कैसा पॉकेमॉन है आप लोग को मैं क्या ही बताऊं। ये भी मेरी गलती है। बहुत ही अच्छा है यार, क्या क्या काम करता है ना ये भाई, बहुत ताकतवर है मैं इतना बता सकता हूँ। आप आज मैं करने वाला एक बहुत अच्छा टास्क, आज करूंगा मैं एक बॉस फाइट, वो भी ऐसी वैसी नहीं, बहुत खतरनाक बॉस फाइट, जैसे आप लोगों को मैं दिखाता हूँ मैप में। हमें दिख रहा है पैनकिंग, हम पैनकिंग को कूटने जाएंगे, सबसे अच्छी बात। ऊपर से फिर मैं जाने वाला हूँ कैटरस को मारने। आप लोग को लास्ट वाले वीडियो में तो याद ही होगा यार, मैं कैटरस को कूटने गया था कि उसको मैं जीत के पकड़ लूंगा, मगर यार उसने तो मेरे को बहुत गंदा कूटा। मेरा पहला टास्क इसलिए है पैनकिंग को पकड़ने का क्योंकि मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग पॉकेमॉन हो जाएगा, इसकी हेल्प से फिर मैं कैटरस को पकड़ पाऊंगा। तो पैनकिंग को तो मैं पकड़ लूंगा। मैंने इतना ग्राइंड इसलिए किया क्योंकि मेरे को 15 लेवल का होना था। 15 लेवल का जब मैं हो जाऊंगा ना तो मैं एक सैडल बना सकता हूँ। ये नहीं, सैडल बनाने के लिए ये वाली जगह है। अबे यार ये खुल, सैडल बनानी है मेरे को नाइट विंग की। नाइट विंग के लिए मेरे को 3 क्लोज चाहिए, मैं जल्दी से बनाकर लेकर आता हूँ। जो भी नाम है उसका यार, वो बेकार ही है यार, उसको मैं नहीं पकड़ूंगा, उसको मैं अपनी टीम में रखने वाला नहीं हूँ। तो एक क्लोथ और चाहिए फिर अपना बन जाएगा नाइट विंग का सैडल। वैसे उसको बनाने में मेरे को पता है काफ़ी टाइम लगने वाला है, तो मैं पहले बना ही लूँ फिर ही आपसे मिलता हूँ। और मैं कुछ बॉल्स भी बना सकता हूँ, वो अभी भी नहीं बनाऊंगा। सबसे पहले मेरे को अपना बेस अपग्रेड करना है। बेस अपग्रेड करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए मैं एक बार देखता हूँ। बिल्ड स्पेयर वर्क बेंच मैं बना चुका हूँ और अब कूलर बॉक्स बनाना है। सो कूलर बॉक्स बनाते हैं। ये रहा कूलर बॉक्स। कूलर बॉक्स मैं कहाँ बनाऊँ, शायद से यहाँ पर वो परफेक्ट रहेगा, सो यहीं पर बना देते हैं। जल्दी से आ जाओ सब लोग। मैं देख रहा था कि पैनकिंग को तो हमने पकड़ना ही है और चिलेट को मैं पकड़ चुका हूँ। ये ग्रंटाइल एक 17 लेवल का है, बहुत दूर है, मैं इसको भी कूट सकता हूँ। ये तो मैं देखूंगा, मगर यार यहाँ पर मेरे को एक बेस नजर आ रहा है। ये होते नहीं हैं अबे वो सोल्जर जो होते हैं, जो मारते हैं, जो भी उनका नाम है, उनके पास अच्छे अच्छे पॉकेमॉन होते हैं। मैं वहाँ पर जाऊँगा ढूंढने की, मेरे को कोई क्या पता कोई अच्छा सा पॉकेमॉन मिल जाए। अगर मिल गया तो मजे ही मजे है वो बेस का। अब वहाँ पर कोई अच्छे से पॉकेमॉन मिले ना मिले वो नहीं मेरे को पता, अब जाकर देखना ही पड़ेगा। मैं एक बार आया नहीं यहाँ पर, पीछे से ही मैं उड़ गया था। ओके, यहाँ पर इसने कोई बड़ा सा पॉकेमॉन कैप्चर किया हुआ है। भाई साहब मेरे को लगता है मेरा रॉबिन को बाहर निकालना ही पड़ेगा। चल रॉबिन आ जा, अब आएगा मजा। भाई एक मिनट, भाई इन्होंने मेरे को इलेक्ट्रिक शॉट दे दिया, मैं गया। रॉबिन क्या कर रहा है बे, मार इनको। ये देखो बहुत स्ट्रांग है यार, कूद देगा। मैं तब तक इसको छुड़ाता हूँ। इसका नाम क्या है भाई, इसको निकालो, ये कितना बड़ा पॉकेमॉन लग रहा है, पावरफुल भी होगा शायद से। आ जा ब्रो बाहर आ जा। तो इसका नाम है मोसांडा लक्स है यार मांडा ये क्या नाम है, मोसांडा भाई। ओ यार मोसांडा भाई मिल गए, ओपी। ये शायद से कोई इलेक्ट्रिक टाइप पॉकेमॉन है, इसको घर में जाके देखना पड़ेगा। चल भाई बस कर, तेरा काम हो गया, मेरे को वापस चलना होगा, मेरी सैडल बन गई होगी तब तक। ओके तो मैं घर में आ चुका हूँ, मैं देखता मेरी सैडल बन चुकी है कि नहीं। अबे यार अभी तक बहुत टाइम लग रहा है। तो जो मैं नया वाला पॉकेमॉन पकड़ के आया था उसको पकड़ लेते हैं। कौन सा था वो, ओ दिख गया मोसांडा लक्स, इसको पकड़ते डेयर हॉल की जगह। नहीं मेरे को ये वाला अपना नहीं टॉमबैट तो मेरे को चाहिए। इसको भी ले लो मोसांडालस को, और इसको भी ले, रॉबिन को भी पकड़ लिया। अब अपने पास अच्छी फोर्स है। नाइटविंग मैंने लेना नहीं था, मगर इसलिए लेना पड़ा क्योंकि इसकी सैडल है मेरे पास, बाद में इसके काम करेंगे ना, इससे उड़ के जा सकते हैं हम। अब मेरे को कुकिंग पॉट बनाना है, बिल्ड व्हीट प्लांटेशन, बिल्ड मील। भाई साहब ये कर दूंगा मैं बाद में, सबसे पहले एक नीचे पॉकेमॉन लगाते हैं अच्छा सा। तो एक रेंडियर निकाल देते हैं बाहर, कौन सा अच्छा वाला, ये 9 लेवल का और ये 11 लेवल का है। सबसे पहले ये सैडल बना लेते हैं, बस होने वाला है ये नाइटविंग का सैडल। ओके तो नाइटविंग का सैडल बन चुका है, अब इसको बाहर निकालते हैं और इसके ऊपर बैठ कर देता हूँ मैं। ओ भाई साहब मैं नाइटविंग के ऊपर बैठ गया यार, क्या ही मजा आ रहा है। ऊपर कैसे जाना है मेरे को, पेस से। ओ भाई मजा आ गया यार, ये काफी अच्छा नाइटविंग है। सो इसमें बाद में बैठते हैं, सबसे पहले मैं चलता हूँ। तो नाइटविंग का सैडल बन चुका है, अब मैं जा रहा हूँ फास्ट ट्रैवल करके पैनकिंग के पास। भाई पैनकिंग की तो आज सामत आई, वो नहीं बचने वाला भाई। ऐसा कूटूंगा किसी ने सोची ना होगी। तो पोर्टल मेरे सामने है, वैसे मैं चिलेट वगैरह से फाइट कर चुका हूँ, मगर यार ये पैनकिंग कितना शक्तिशाली होगा मेरे को कोई भी आइडिया नहीं है। फूड मेरे पास अच्छा है, पहले सबको फूड अच्छा खिला दूँ मैं,
फिर ही अंदर लेके चलता हूँ, मैं भी काफी अच्छा खा लूँ। ओके तो पैन किंग के साथ फाइट करने के लिए मैं रेडी हूँ, मैं अंदर चलता हूँ इस डंजन के। भाई मैं अंदर तो आ गया, मेरे को पैन किंग नहीं कहीं दिख रहा। हेलो पैन किंग भाई कहाँ हो? अबे आ गया नूबड़ा, किसको निकालूं किसको, ये मोसांडा लस्को निकालता हूँ। इसकी पावर भी देख लेते हैं कैसी है। तो मेरे पास काफी अच्छी बो भी है, एरो। अबे यार इसने तो सीधे डैमेज कर दिया मोसांडा भाई, ये क्या कर रहे हो वे? पैनकिंग हो रहा था, क्या हो रहा है भाई? ये तो बहुत शक्तिशाली है। आई थिंक वो वाटर टाइप पॉकेमॉन है ना, और ये वाला पॉकेमॉन पैनकिंग, पैनकिंग ही वाटर टाइप है और मोसांडा भाई इलेक्ट्रिक टाइप है, इसलिए थोड़ा स्ट्रांग लग रहे हैं भाई ये। मेरे को छोटे छोटे इसके पैंगुलेट मेरे को बहुत तंग कर रहे हैं, वो उनको जल्दी से मैं पकड़ लूँ, आई मीन उनको मार दूँ, नहीं तो मेरा फायदा नहीं होगा यहाँ पर आने का। भाई इन्होंने मार दिया मेरे को यार, जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। भाई साहब बहुत हो गया हंसी मजाक, इस बार तो उसको मैं कूट कर आऊंगा जो मर्जी हो जाए। अंदर आ चुका हूँ, मोसांडा भाई को बाहर निकालता हूँ। आ जाए भाई पैनकिंग, तेरी तो आज खैर है। थोड़ा सा खाना खा लेता हूँ मैं, इन सबको भी खिला देता हूँ। मोसांडा भाई को ज़रा खाना खाना पड़ेगा, तो पहले इनको ये ख़त्म कर दे पैंगुलेट्स को, फिर मैं बात करूँगा उससे। पहले उसको मार। ओके मार दे मार दे भाई, एक ही बचा है पैंगुलेट, वो भी 11 लेवल का, बस इसको मार दिया ना तो मजे मजे। ओ भाई मार रहा है मार रहा है मार रहा है मेरे को, तो मैं ऐसा मारूंगा ना। इन्होंने बड़ा तंग किया मेरे को, मगर इस बार नहीं। गया गया गया, ओके फिनिश। अब बस मोसांडा भाई और पैनकिंग के बस फाइट है, यही बस बचे हैं। इनको जल्दी से ख़त्म करूँ और अपना काम इजी पीजी। नो 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 नो, बस बस बहुत हो गया जरा। अब बस तू चिलट वापस आ, इसको मार दूँ, थोड़ी सी हेल्थ रह गई है। चिलट ओके, थोड़ी सी और डैमेज दे। ओके थोड़ा सा और, बस थोड़ा सा और, बस वापस आ जा वापस आ जा। अब इसको पकड़ना चालू करता हूँ मैं, एक स्पेयर में आ जाए तो मजे मजे। आ जा ब्रो प्लीज। पैनकिंग, ओ भाई आ गया फाइनली, भाई साहब पैनकिंग को पकड़ लिया मजे मजे। मैंने कहा था ना मैं पैनकिंग को पकड़ के दिखाऊंगा, और मैंने उसको पकड़ लिया। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। और कुछ यहाँ पर है तो नहीं, वापस चलता हूँ बाहर। तो ये तो बहुत ही मजेदार बात थी, मगर अभी मेरा एक और पॉकेमॉन बचा है पकड़ने के लिए, वो था कैटरस। तो मैं एक बार बेस से होकर आता हूँ, फिर जाऊंगा कैटरस को पकड़ने। ओके तो मैं अपनी ईगल के ऊपर बैठ चुका हूँ, आई मीन इसका नाम है पिजियोटो। पिजियोटो गया भाड़ में क्योंकि मैं जाऊंगा अब कैटरस को पकड़ने। तो कैटरस के पास कोई अपने सेना वगैरह तो नहीं होगी जैसे पैनकिंग के पास, उसके पैंगुलेट्स, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। मैं चल रहा हूँ अब अंदर, चलो ठीक है फिर। ओ भाई कैटरस अभी भी रेडी है, चलो पिजियोटो भाई तुम बाहर निकलो सबसे पहले, फिर मैं मोसांडा भाई को निकालूंगा। ये डार्क टाइप अटैक करती है, इसके लिए मैं वाटर टाइप लेकर आया था। अबे यार चिलट लेकर आ गया मैं, मेरे को पैनकिंग लेकर आना चाहिए था वैसे। ठीक है कोई बात नहीं, अभी भी अच्छा है, मेरी शील्ड टूट चुकी है। चिलट भाई भी अच्छा नहीं कर पा रहे, वो कूट रहे हैं, आई मीन मार खा रहे हैं। तो मेरे को अपना मोसांडा भाई निकालना ही पड़ेगा वैसे। अबे मैं एरो क्यों नहीं मार रहा, एरो भी मारूं साथ के साथ, फिर जल्दी हो गया। कैटरस तू मेरे पास आएगी आएगी, नहीं नहीं चिलट गया चिलट गया। प्लीज़ रॉबिन तू निकल, रॉबिन जल्दी मारना उसको, काफ़ी हालत उसकी चल चुकी है, बस थोड़ी सी और बची है, जल्दी से मेरे को मिल जाए तो मजे मजे। फिर मैं टॉम बैट गए जाएगा बाढ़ में, फिर मैं कैटरस को ही लेकर जाऊंगा। फिर मैं टॉम बैट को बाहर नहीं निकाल रहा क्योंकि वो भी एक डार्क टाइप पॉकेमॉन है, और मेरा जे भी कैटरस भी, आई मीन आई थिंक वो इसको मार कर ही जाएगा। भाई बहुत अच्छा रॉबिन है ये यार, काम बड़ा अच्छा करता है। तो इसको पकड़ लिया ना, फिर मैं एक और चीज़ करने जाऊंगा, वो आपको बाद में बताता हूँ मैं करूँगा क्या। तो रॉबिन भी मार खा रहा है, थोड़ा सा वापस आ रॉबिन तू, और मैं अपने पिजियोटो को वापस निकालता हूँ। ओके पिजियोटो भाई कुछ करो यार, काफ़ी हालत इसकी ऑलरेडी चल चुकी है, आई मीन ये थोड़ा लो ही हो गई है। अब इसको पकड़ना मैं स्टार्ट तो कर सकता हूँ मगर अभी नहीं। ओके मोसांडा भाई ने एक अटैक किया अपना, और उसकी हेल्थ काफ़ी चल चुकी है, और मारो एक। ओ भाई बस 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 बहुत हो गया रॉबिन, थोड़ा सा इसको तू भी मार, क्योंकि उसकी हेल्थ काफ़ी डाउन ऑलरेडी हो चुकी है। बस का बस का बस 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 भाई बस, अब नहीं करना कुछ भी, अब मैं ना मर जाऊँ बस बस भाई, अब मर ही जाती वो नहीं तो। एड्रेस ऊपर चढ़ गई है तो पकड़ो इसको, एक बार पकड़ के देखता हूँ। अबे उसने मेरे को मार दिया यार, वो मेरे हाथ में ही था, मगर यार मैंने कुछ गलत खुद ही कर दिया। तो मेरा सामान तो मेरे पास आ चुका है, मैं फिर से फाइट करने जाऊंगा। मैंने अपने चिलड़ को वापस रखाया हूँ, अब मैं पैनकिंग को लेकर आया हूँ। मेरा पैनकिंग का माल दिखाएगा कि नहीं ये नहीं मेरे को पता। चलो पैनकिंग को एक बार निकालते हैं वापस, भाई पिछली बार बहुत अच्छा कूटा था यार, फिर से मैं कूट पाऊंगा कि नहीं ये नहीं मेरे को पता।
Yeah, she's got some nice long hair and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Rumors all around say her body is fantastic. All natural, not a piece of fur is plastic. Head to her toes, yeah, they say that she's a latch. Yeah, the whispers all around say she has a reputation. Don't believe it till I see it, so I want a demonstration. And I've always learned it better with a hands-on education. So I need a private session if you get what I am saying. And they say that she's not easy, no, she's really complicated. But that only makes it better, and it's got me so fixated. And I'm not the type to wait around, I've never hesitated. But she's got me captive. Banking ko thoda sa nikalta hun, kuch kaam karega wo. फिर अपनी हेल्थ अपनी है, आई मीन अपनी कैटरस है फिर. ओके पैनकिंग मार उसको थोड़ा सा. नो 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 भाई प्लीज, इस बार मैं मरूंगा नहीं, जो मर्जी हो जाए. ओके मारो मारो इसको और मार पैनकिंग, पीछे ऑटो निकालो नहीं तो मैं. ओके भाई तू वापस आ और तू निकल, मैं उसको ऊपर ही बैठ जाता हूँ. टोर्नेडो अटैक कर. कहाँ अटैक कर रहा है, पागल है क्या? नहीं नो 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 नो, अब मार मारो 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 भाई, पकड़ ना ले जी मेरे को, उसको अंदर ही ले लेता हूँ मैं. टॉम बैट को निकालता हूँ. ओके ठीक है, टॉम बैट मार यार, तू क्या कर रहा है? डार्क टाइप वो भी है भाई, उसने उसको डैमेज तो दिया, अच्छा डैमेज जा रहा है वैसे. अगर मैंने मोसांडा भाई को निकाल दिया वो इसको मार ही देगा. रॉबिन को निकालो नहीं, एक बार थोड़ा सा कूट देगा इसको वो. ठीक है रॉबिन भाई तुम निकलो, थोड़ा सा मारना, ज़्यादा नहीं मारना. I heard you like to stay out late. I heard you had a couple boyfriends. I heard they didn't treat you right. I heard you're hated by your girlfriends. 'Cause all the guys want you tonight. Yeah. They say she's too hot, they say she's too cold. Where she came from, nobody really knows. They say she looks young, but say she acts old. From everything I've heard. इसे पकड़ सकता हूँ मैं, I mean इसको. पर थोड़ा सा और हो जाए तो मजे मजे. ओके बस बस बहुत हो गया इसका, अब बस आ जा. तो कहाँ गई? ये ले, आ जा ब्रो, एक बॉल में आ जाना, मैं बहुत तंग हूँ. बस एक बॉल में. नो कहाँ गई? ऊपर चलेगी, अब आ जा. एक स्पेयर तो मेरे पास काफ़ी है, मगर ये एक दो बॉल में आ जाए तो मजे मजे आ जाएंगे. तो इसको दूसरी स्पेयर से मैं पकड़ के देखता हूँ, अगर आ जाएगी तो. ओ भाई नो, ठीक है इस स्पेयर से पकड़ के देखता हूँ ये आएगी कि नहीं आएगी. इस स्पेयर से तो ये बिल्कुल भी नहीं आएगी. तू वापस ही आ, कॉम्बैट तेरे को निकालना नहीं है मेरे को, प्लीज आ जा यार. नहीं आ पा रही, एक बार और ट्राई करता हूँ. अबे ये स्पेयर ही खाई आ रही है मेरी, आ ही नहीं रही, क्या कर रही है? थोड़ा सा और डैमेज देता हूँ मैं इसको. ओके अबे खा ले यार, थोड़े से एरो खा. ओके अब आ, इस बार आ जाना मेरे पास प्लीज, अब आ. भाई आ ही नहीं रही यार, ये तो बहुत तंग कर रही है, क्या कर रही है कैटरस? अब आएगी प्लीज़, मेरी हालत डाउन हो चुकी है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता. अगर आ गई तो मज़े, नहीं आई तो बाढ़ में जाए. ओ आ गई यार. ओके सो फाइनली हमने एक और बॉस को पकड़ लिया, पहले पैंटिंग को पकड़ा, अब कैटरस को. मैंने अपना वादा पूरा किया और मेरा एक भी पॉकमन शायद से नहीं मरा. ओपी, अरे मैं क्या बताऊं मैं. तो अपने मैंने नाइटविंग को बाहर निकाल दिया है. सबसे पहले मैं घर में चलता हूं और अपने कैटरस को लेकर आता हूं, क्योंकि उसके साथ मैं जाऊंगा एक और अच्छा पॉकमन पकड़ने. पर अभी नहीं, वो रात में जा पाऊंगा, क्योंकि मैंने पता है एक रात में एक अच्छा सा उड़ता हुआ पॉकमैन, जहाँ पर मैं एक बार लास्ट पॉइंट में गया था, मैं दिखाऊंगा आपको बाद में, यहाँ पर बात कर रहा हूँ. यहाँ पर नाइट में एक अच्छा सा उड़ने वाला पॉकमैन उड़ता है, एजोरॉब. भाई मैं एजोरॉब को भी पकड़ सकता हूँ, चलूँगा यार? नहीं यार अभी नहीं, आज दो तीन बॉस ऑलरेडी पकड़ चुका हूँ मैं. अब रात में यहाँ पर एक अच्छा सा पॉकमैन आएगा, मैं उसको पकड़ने जाऊँगा. सबसे पहले बेस में चलता हूँ. तो कोई भी अपना अच्छा पॉकमैन मरा नहीं है वैसे, इनको एक बार रेस्ट दे देता हूँ, फिर सुबह लेकर जाऊँगा. सो ये रही मेरी कैटरस, कैटरस को एक बार मैं बाहर निकालता हूँ. ये देखो भाई मज़ेदार है ना, अब ये काम भी करेगी यहाँ पर. तो अपना सॉर्टेड है यार, यहाँ पर तो मैं आ चुका हूँ. अब मेरे को अपना नाइटविंग को वापस निकालना होगा और वेट करनी होगी. अबे ये क्या करती रहती है, रात ही फाइट कर दी इसने लूबड़ी. तो ऊपर चलता हूँ मैं, देखता हूँ मेरे को वो पॉकमैन अब मिलेगा कहाँ. काफ़ी वेट करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं वो मिलने वाला. वैसे वो थोड़ा सा चमकीला सा है, आई मीन वो लाइट मारता है. तो मारूँ कैसे? एयर कैनन मारो. नो विंड कटर. ओके अब आएगा ये मेरे पास, ठीक है मैं नीचे उतर भी जाता हूँ एक बार, क्योंकि अब फाइट होगी इसके साथ अच्छी सी. ओ भाई यार ये तो अच्छी अटैक करता है, ताकतवर है काफ़ी.
इसकी शैडल बना दूंगा ना अगर मैं, तो मैं इसके साथ उड़ भी सकता हूँ। ओके तो मैं किसको निकालूं? कैटरस को निकालना पड़ेगा मेरे हिसाब से, वो अच्छी पोकेमॉन है। भाई तू एक मिनट अंदर आ और तू निकल, मेरे को नहीं फाइट में थोड़ा सा इंटरफेयर करना, मैं दूर ही रहूँगा इनसे बिकॉज मैं मरना नहीं चाहता अब। रॉबिन इसको कूट तो पा रहा है मगर इतना भी डैमेज नहीं अच्छा दे पा रहा, मेरे को थोड़ा सा देना पड़ेगा डैमेज फिर ही मजा आएगा। भाई एक और अच्छा सा पोकेमॉन साथ आ गया, उसको ये हेल्प ना कर दे ये, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। भाई ये दोनों मेरे साथ आई मीन दोनों मेरे से लड़ रहे हैं, इसको पकड़ दूँ मैं एक बार प्लीज, वापस लो ये मैं बस अब पकड़ूंगा। भाई उसकी हेल्थ काफ़ी डाउन हो चुकी है, तेरे को बाद में कूटता हूँ मगर पहले मेरे को उसको पकड़ने दो एक बार। आ जाया, आ गया वो, अब बात हूँ नूबड़ी, अब तेरे को तो मैं मार ही दूंगा। हैं पंगे ले रहा था ना तू, आ जा फिर। भाई वैसे मेरा पैनिकिंग डेंजर में आ गया है, मेरा मोसांडा भाई अभी भी जिंदा है, मोसांडा भाई को निकालता हूँ, उसको पहले मार दूँ एक बार। पंगे लेगा ना, पैनकिंग को मारेगा, पैनकिंग भी गया, सारे पॉकमेंट मरवा लिए मैंने मगर इसको तो मैं मार कर रहूँगा। आ जा तू पहले। भाई मोसांडा भाई वैसे जाने वाले हैं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉकमान है एक बात कहें हम तो, इसको भी पकड़ लेता हूँ साथ के साथ ही, अब इतनी दूर आए हैं तो दोनों ही पकड़ के लेके जाते हैं। ओके आ गया हाथ में, ओ भाई बहुत अच्छा हो रहा है फाइट, मोसांडा भाई रेस्ट पे चले गए ये नहीं फाइट करेगा मगर मैं बहुत अच्छा लड़ रहा हूँ, दोनों रेस्ट पे चले गए। मारो मारो इनको मारो। तो भाई साहब उस पक्षी को मारने के बाद वापस से बेस पे आ चुका, तो अब आपको दिखाता हूँ मैंने कौन कौन से आज लेजेंडरी पॉकमॉन्स पकड़े हैं। जैसे था एक पैनकिंग, इसको भी बाहर निकालो, फिर इसको भी निकाल दो, सबको निकालते हैं जो जो मेरे लेजेंडरी पॉकमॉन्स हैं, जो जो को आई मीन मैं रखता हूँ अपने पास, वैसे इनको वापस मेरे को अंदर भी रखना होगा क्योंकि इनका कोई काम नहीं है। जैसे ये देखो नाइटविंग बहुत अच्छा है, और ये नया वाला उड़ने वाला पॉकमॉन भी अच्छा है, और सबसे अच्छा ये वाला पॉकमॉन भाई बहुत अच्छा है, ये इसने ही सबसे अच्छी फाइट मेरे को जिताई, अच्छा हुआ मैं इसको सबसे पहले पकड़ के लेकर आया। फिर ये रॉबिन ये भी बहुत प्यारा है, और जब मैं पैनकिंग की बात करूँ तो भाई मजा मजा, तो सारे पॉकमॉन मेरे अच्छे हैं, अब मेरे पास सब कुछ है और मैं फाइट भी अच्छे से कर सकता हूँ। वैसे मेरे पास एक एग भी आया था, मैं आप लोग को दिखाता हूँ, ये रहा वो एग, इसको इनक्यूबेट करते हैं बस 5 मिनट में हो जाएगा। सो आप लोग को दिखा भी तो कैसे इसमें से पॉकेमॉन्स निकलते हैं, देखो मेरा चिलेट भी कितना क्यूट सा बाहर घूम रहा है यार, इसको मैं प्यार कैसे करूँगा फोर से, अबे नहीं आ रही ऑप्शन, आगे पैट, ये देखो भाई बहुत क्यूट है यार, इसकी भी सैडल बनानी है मेरी। और अगर मैं इसकी बात करूँ कैटरस की, कैटरस बहन इधर आना एक मिनट, कैटरस बहन को भी पैट कर देते हैं। भाई ये भी बहुत क्यूट है यार, इसको पकड़ने में बहुत मजा आया। तो भाई साहब मेरा एक तो इनक्यूबेट हो ही चुका है, बस मैं आप लोग एक चीज़ दिखानी थी, मेरा चिलेट कहाँ गया? हेलो भाई साहब चिलेट घूम गया मेरा, नीचे है कि ऊपर अजेरा? तो चिलेट की ना मैंने अभी सैडल बनाई है, तो मैं देखना चाहता हूँ इसकी सवारी कैसे होती है। जैसे अब इसको मैंने बाहर निकाला और मैं अब बैठ सकता हूँ इससे, भाई ये स्पीड वाली तो है, ये मानना तो पड़ेगा, ओपी मजा आ गया यार इसकी सैडल बनाने के बाद सांप जैसी लग रही है। ओके तो मैं अभी अपना एग भी देख लेता हूँ, इसको वापस अंदर रख देता हूँ क्योंकि ये इस बेस पर काम करेगी तो अच्छी रहेगी। ठीक है चल नूबड़ी, ओ भाई आ जा यार, तू ऐसे नखरे मत कर, माना तो सुंदर है पर नखरे नहीं जाएगी मेरे को। तो अब एग में से देखते हैं हमें कौन सा लेजेंडरी पॉकमन निकलेगा, वैसे जी कोई लेजेंडरी एग नहीं था फिर भी देखते हैं। टेलर है हर नूबड़े के लिए इतना टाइम लगाया मैंने, चलो कोई बात नहीं। सो उम्मीद है आप लोग को इस वीडियो में मजा आएगा, मजा आएगा तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें, हम नेक्स्ट वीडियो में और खतरनाक पॉकमन पकड़ने जाएंगे। और आप लोग मेरे को ये बता देना इन सभी में से आप लोग को कौन सा सबसे अच्छा पॉकेमॉन लगता है। वैसे अगर मेरी बात करूँ तो मेरे को कैटरस अभी बहुत पसंद आ रही है, तो पहले मेरे को पसंद था कॉम्बैट मगर अब नया वाला ये डार्क पॉकेमॉन पसंद आ गया मेरे को कैटरस। तो मिलते अगली वीडियो में, तब के लिए गुड बाय।